जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे स्टार एकेडमी का जो प्रैक्टिस बुक है उससे, मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि कम्बाइनली इन दोनों चैप्टर को ली गई है, तो इसको जो है हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला एमसीक्यू जो है इसमें कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज, तो स्टूडेंट ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ई जो है ये बराबर है ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम वी मल्टीप्लाई बाई सी, या इस तरह वी मल्टीप्लाई बाई वी भी हम लिख सकते हैं। वी जो है ये स्पीड है, ये सी जो है ये भी स्पीड है लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम जो है इस सी की जगह वी भी लिख सकते हैं। तो एम वी मल्टीप्लाई बाई वी भी लिख सकते हैं या एम वी मल्टीप्लाई बाई सी भी लिख सकते हैं। तो एम वी जो है ये लीनियर मोमेंटम है, तो हमारे यहाँ बराबर हो जाएगा कि ई इज़ इक्वल टू बी सी। ये एक फार्मूला जो है हमारे यहाँ आ गई है कि ई जो है ये बराबर है पी सी। पी जो है ये लीनियर मोमेंटम है और ई जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ई इज़ इक्वल टू एच एफ, एच एफ के बराबर है। तो अगर हमने लीनियर मोमेंटम को फाइंड करना है तो हम इस तरह करेंगे कि हमारे यहाँ इस तरह फार्मूला बन जाएगा कि एच एफ इज़ इक्वल टू पी सी। तो P को फाइंड करना है तो एच एफ डिवाइड बाई सी विल बी इक्वल टू P, और ये P जो है ये लीनियर मोमेंटम है। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है एच एफ डिवाइड बाई सी, ऑप्शन B हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ मेटल सरफेस इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन डिपेंड ऑन, तो स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द वर्क फंक्शन फॉर मेटल सरफेस दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ज़ीरो, स्टूडेंट जो है फोटोन की जो है रेस्ट मास ज़ीरो है, लेकिन ये बात याद रखी गया कि रिलेटिव मास जो है इसका रिलेटिव मास ये इन्फेनाइट है, और इस तरह मास रेस्ट मास जो है इसकी वो ज़ीरो के बराबर है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये चार्ज लेस है, मतलब चार्ज भी इसकी ज़ीरो के बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर है, इसमें कह रहे हैं कि फोटोन इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फोटोन जो है ये क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसमें कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट, ई जो है ये बराबर है एच एफ या ई जो है ये बराबर है एच सी बाई लेमडा, मतलब कि वेवलेंथ के साथ ई का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। तो जिसकी वेवलेंथ कम हो उसका जो है एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर आप देखोगे सबसे कम वेवलेंथ जो है हमारे यहाँ यहाँ पर है 2 पाइकोमीटर, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, इसकी सबसे कम वेवलेंथ है तो इसकी एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें कह रहे हैं कि इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ ट्वाइस द इंटेंसिटी बट द सेम वेवलेंथ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी के ऊपर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, एफ एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्टैकिंग ऑन अ मेटल सरफेस देन द टोटल मोमेंटम एग्जर्टेड एन, तो स्टूडेंट मोमेंटम जो है ये बराबर है एच बाई लेमडा, एन नंबर ऑफ फोटॉन के लिए हमारे यहाँ आंसर बन जाएगा कि पी विल बी इक्वल टू एन एच बाई लेमडा, तो ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर एट है, इसमें कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर विजिबल लाइट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम ऑप्शन ए सोडियम एंड पोटाशियम, ये दोनों से जो है सोडियम हो या पोटाशियम हो इन दोनों से विजिबल लाइट ही हमारे यहाँ ऑब्टेंड होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एट है, ओके सोडियम हो या पोटाशियम हो इन दोनों से विजिबल लाइट हमारे यहाँ ऑब्टेंड होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नाइन है, इसमें कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम एन फाइव टू एन वन स्टेट इज, तो स्टूडेंट इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है कि एन इज इक्वल एन ब्रैकेट है फिर एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये हमारे यहाँ इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है। तो एन की जगह हम फाइव पुट करेंगे तो फाइव, और इस तरह फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू हो जाएगा तो ये फोर हो जाएगा, तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर डिवाइड बाई टू, सो 20 डिवाइड बाई टू दैट विल बी इक्वल टू 10, तो ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टेन है,
इसमें कह रहा है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, एक्स रे प्रोडक्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट इज, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ है, तो इसके जो है करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है बोथ एंड बी। वो इसलिए अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट करें तो हमारे यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब कि हर एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी वैल्यू जो है डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।